शाही खानदान जो यहाँ जरदारी खानदान है वो सारा दुबई पहुंच गया। मुझे हिंदुस्तान टाइम्स के सहाफियों ने कहा कि रॉ के कहने पे हमने अल्ताफ हुसैन को बुलाया। कप्तान खान कराची आए तो हज़्ब रिवायत एक महाज खोलने पर इक्तफा नहीं किया। इमरान इस्माइल की रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पहले हदफ बनाया सिंध हुकूमत को। बोले सिंध वाहिद सूबा है जहां गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। कराची में पानी है ना बिजली। शदीद गर्मी में सैकड़ों हलाकतें हो चुकी, मगर शाही खानदान अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बजाय दुबई जाकर बैठ गया है। लेकिन हुकूमत के तरह सारे उठ के दुबई चले गए। शाही खानदान जो यहाँ जरदारी खानदान है वो सारा दुबई पहुंच गया। मैं पाकिस्तान के लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ, अगर आपने अपनी जिंदगियां बेहतर करनी है, कभी किसी पार्टी को वोट ना दे जिनके लीडरों के पैसे और जायदादें बाहर पड़ी हैं। इसके बाद नंबर आया साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौजूदा वजीर आजम नवाज शरीफ का। जब गवर्नेंस सिस्टम ठीक होगा तो एक इमरजेंसी के जल्दी से, जब इमरजेंसी आती है तो एक हुकूमत रिस्पॉन्ड करेगी। एक तरीका गवर्नेंस इम्प्रूव करने का है और वो है बल्दियाती निजाम। आखिर में